अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयब फ्रॉम खरीदारी.pk और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओप्पो A5s। ये ओप्पो की अभी रिसेंटली लॉन्च है और देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि यह फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जो भी हम रीसेंट रिव्यूज़ करते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल जाएं। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आइए चलते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस है 25,000 और ये रिसेंटली जो ओप्पो A3s आया था कंपनी ने उसको डिसकंटिन्यू करके ये मॉडल लॉन्च किया है। इसके बाद हम इसके बॉक्स की तरफ आ जाते हैं। 6.2 इंचेस वाटर ड्रॉप स्क्रीन डिस्प्ले है इसका और 4330 mAh बैटरी है इसकी। बैक पे डुअल कैमरा है और AI ब्यूटी के साथ है जो कि 2.0 है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ मिलने वाली है वो है इसमें से कि जिसमें से कवर निकलेगा और ये आपके यूज़र गाइड निकलेगा। और कुछ लोगों को ओप्पो के वारंटी कार्ड का नहीं पता होता कि वो कहाँ पे है, तो ओप्पो का वारंटी कार्ड आपको इन बुक्स में से ऐसा मिलेगा। ये वन नंबर वाला आपका वारंटी कार्ड है और जबकि ये सेकंड नंबर वाला ये डीलर या दुकानदार आपसे रख लेगा क्योंकि उसको कंपनी को ये वापस जमा कराना पड़ता है। इसके बाद हमें मिलता है इसमें से सिलिकॉन और इजेक्शन टूल होता है इसके बीच में। बस इसके बॉक्स में यही चीज़ें हैं। इसके बाद हम फ़ोन की तरफ आ जाते हैं। तो ये रहा आपका फ़ोन जो कि फ्रॉस्टेड कवर में है। और चलिए आइए इसको हम खोलते हैं, देखते हैं अंदर से फ़ोन कैसा है। लीजिए जी, हमने फ़ोन ऑन कर दिया। ये इसकी बैक लुक है और ये ब्लू कलर में फ़ोन है। इसमें तीन कलर्स आते हैं, ब्लैक, ब्लू और रेड। चलिए आइए इतने में हम बाकी बॉक्स की तरफ चल जाते हैं। सबसे पहले आपको ये इसका चार्जर मिलेगा और चार्जर इसका 5W का है। इसके बाद हैंड फ्री चोरी कर चुका है ओप्पो, आजकल बॉक्सेस में हैंड फ्री नहीं डाल रहा। उसके बाद ये केबल है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती। ओप्पो के फ़ोन्स में पहले कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं जिनमें फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है या वॉक सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद हम आ जाते हैं फ़ोन की तरफ। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन हो चुका है और इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये फ़ोन ऑन हो गया और सबसे पहले जो देखने में चीज़ मिलती है इसका वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिलता है और स्क्रीन इसकी है 6.2 इंचेस की जिस पे ऑलरेडी गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है, यानी कि जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो आपको उसी वक्त इस पे टेम्पर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं। बैक साइड इसकी प्लास्टिक की है और बैक पे आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा और डुअल कैमरा है इसमें, जिसमें एक कैमरा 13 MP का है और सेकंड कैमरा 2 MP का है। फ्लैश लाइट मिलती है आपको साथ में। फ़ोन की सिक्योरिटी की तरफ आते हैं तो फिंगरप्रिंट तो आपने जैसा कि देख लिया बैक साइड पे। फेस अनलॉक भी है इस फ़ोन में और स्क्रीन रेजोल्यूशन इसकी बहुत अच्छी फील हो रही है। फ्रंट कैमरे पे आते हैं तो फ्रंट कैमरा इसका 8 MP का है और स्लो मोशन इसमें नहीं है। कैमरा मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये इसका कैमरा है और मैं आपको इस बॉक्स की पिक्चर लेके दिखाता हूँ। मतलब काफ़ी कैमरे का मुझे रिज़ल्ट फाइन फील हो रहा है। बैक कैमरा इसका काफ़ी बेहतर लग रहा है, देखें कितनी कमाल पिक्चर लिया उसने। और 4230 mAh की इसकी बैटरी है और वीडियोस जो है ये 1080p पे बनाता है। पोर्ट्रेट में भी मैं आपको इसकी पिक्चर लेके दिखाता हूँ। पोर्ट्रेट में भी इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और ख़ूबसूरत फ़ोन है। इसमें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ आते हैं तो इसमें जो प्रोसेसर है कंपनी ने लगाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। इसमें जो प्रोसेसर है वो कॉर्टेक्स का है 2.2 GHz का और 3 GB इसकी रैम है और 32 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है। इसमें आपको कलर OS मिलेगा 5.2.1 का और एंड्रॉयड का वर्जन है।
8.1 ऑक्टा कोर इसका प्रोसेसर है। काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन है इस प्राइस में, क्योंकि देखा जाए तो मतलब सैमसंग का A10 आपको मिलता है 23,500 में 2GB 32GB रैम के साथ, जबकि ये ओप्पो का फ़ोन जिसका डिस्प्ले मुझे स्पेशली बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है इसका, ये आपको मिलता है सिर्फ 25,000 में। और अगर आप ये खरीदारी.pk से ख़रीदेंगे तो वहाँ से शायद आपको और भी डिस्काउंट हो जाए और अराउंड 24,200 या 24,300 का मिलेगा। तो इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी डिवाइस है ये। और जहाँ तक आती है बात गेमिंग की, हैवी गेम्स की, लाइक पबजी या एसफॉल्ट 5, मैं इन गेम्स के लिए ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस फ़ोन की उतनी स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये उतना लोड बर्दाश्त नहीं करता, आपकी गेम कुछ कुछ स्टक होंगी तो। लेकिन अगर नॉर्मल यूसेज के लिए, कॉलिंग के लिए या सोशल मीडिया के लिए या इंटरनेट के लिए आप ये फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये बेस्ट डिवाइस है। बहुत अच्छी प्राइस रेंज है इसकी। और फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ओप्पो की अगर इस फ़ोन की प्राइस अगर 22,000 से 23,000 रुपया होती तो ये बड़ी फेयर प्राइस होती, क्योंकि इस रेंज में आपको बहुत सारे और मॉडल्स मिलते हैं, लाइक हवावे के कुछ मॉडल्स हैं, कुछ सैमसंग के मॉडल्स हैं, कुछ रियलमी के मॉडल्स हैं, जो कि इस रेंज में आपको 3GB 64GB देते हैं या 4GB की स्पेक्स में। आजकल इन्फिनिक्स का एक फ़ोन आ रहा है जिसकी हम कुछ दिनों बाद अनबॉक्सिंग करेंगे, तो ओप्पो को चाहिए थोड़ी सी इसकी प्राइस डिक्रीज़ करें ताकि यूज़र्स के लिए और आसान हो इसको लेना। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको सारी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।